क्या बात है भाई, कमाल हो गया। फुल एनर्जी के साथ कदम ताल किया जा रहा है। ये देखकर तो मुझे फिल्म शोले का वो वाला डायलॉग याद आ रहा है, जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी। हुसैन ने एक झटके में हम तीनों को बसंती बना दिया। हुसैन डायलॉग बाजी छोड़िए और आप भी अपना जीवन मंत्र बना लीजिए। और हाँ, ये सही बात है, कदम चलाना और सांसों का चलना, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। आज से अभी से अमल में इसे ले आइए हुसैन आप भी, क्योंकि दिल की सुरक्षा आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके पैरों में है। जितना पैर चलेंगे उतना सांसें चलेंगी। ये तो सही बोला है कि जितने पैर चलेंगे उतनी सांसें चलेंगी, नहीं तो जहरीली हवा कब गब्बर बनके आपके दिल की धड़कन को रोक दे ये पता नहीं चलेगा। वैसे हालात बेहद ही खराब है। देश की राजधानी का खौफ इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो हवा है बहुत प्रदूषित हो गई है और इतनी जहरीली हो गई है कि दम घुटने लगा है और दिल की बीमारी का तो खतरा और बढ़ गया है। अगर हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, अपने पैरों को चलाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, रोज 40 मिनट हमारी तरह पैर आपके चलेंगे तो 25% हार्ट की प्रॉब्लम्स का खतरा घट जाएगा। समझे हुसैन? और समझाती हूँ, पैर चलाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, मोटापा कम हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और इन सब का फायदा आपके दिल पर दिखाई देगा, यानी कि हार्ट उतना हेल्दी रहेगा। और इसलिए कह रहे हैं, हार्ट अटैक से बचाव आपके हाथ में नहीं आपके पैर में है। बिल्कुल ठीक बात, पैर चलना तब और जरूरी हो जाता है जब दिल के पीछे दुश्मनों की पूरी फौज सी खड़ी हुई हो। वैसे भी कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले 300% बढ़ गए हैं। और दिक्कत तो ये भी है कि 25% मामलों में तो सीवियर ब्लॉकेज के बाद भी लक्षण दिखाई नहीं देते। भारत हार्ट डिजीज की कैपिटल बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से होने वाली मौत में से 20% भारत में ही मौतें हो रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भारत में दिल की जो बीमारी है 10 साल पहले आती है, यानी कि देश में 15 से 20 साल के युवाओं में कार्डियक प्रॉब्लम 200% बढ़ी है और ये हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है क्योंकि देश में 50% आबादी तो युवाओं की है। जोशना, एक और बात अमित मीनाक्षी हुसैन, इस भुलावे में मत रहिए कि आप जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, रोज 2 घंटे पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ नहीं होगा आपको। जिमिंग से लुक्स जरूर बेहतर होते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग और टोन जरूर होती है, स्टैमिना जरूर बढ़ाता है, लेकिन हार्ट को मजबूती और प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती उस तरह से जिस तरह से जरूरत है। उसके लिए तो पैर का चलना बहुत जरूरी है और साथ साथ योगाभ्यास जिंदगी में शामिल हो गया तो दिल आपका ऐसे मजबूत हो जाएगा कि फिर वो आपके भी काम आएगा और आपके बाद भी काम आएगा। स्वामी जी अब हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट अशोक है और ये हरे कृष्ण डॉक्टर है और ये यूएस का बहुत माना हुआ कार्डियोलॉजिस्ट है। रोज 15-20 लोगों के हार्ट में स्टेंट डालता था और अब बोलता है, स्वामी जी आप यदि अमेरिका में आ गए तो मुझे हिंदुस्तान आना पड़ेगा और आपकी शरण में रहना पड़ेगा। तो ये 15-20 स्टेंट डालता है, डोट बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो यूएस में कहाँ रहते हो? मिशिगन में। मिशिगन के अंदर रह रहे, ये हरे कृष्ण है। इसका कोविड के बाद ये बुरा हाल हो गया था, मेमोरी चली गई थी, लंग थला गया था, नींद उड़ गई थी और क्या लाइफ लॉन्ग के लिए क्या था भाई बोल दिया था, सुनो जी वो छुट गई। और ये डॉक्टर, ये कर्नल क्या नाम है, रोहित झा, ये मेरे से 5-7 साल छोटा है लेकिन यहाँ आकर के 1-1 किलो रोज वेट कम कर रहा है। बीपी की दवाई छूट गई, शुगर की दवाई छूट गई, चलो दौड़ के आओ चलो। तो ये दौड़ना, इसके साथ फिर योग करना, प्राणायाम करना, और ये तो खैर हमारे योगी डॉक्टर हैं, योगी कर्नल हैं। देखो ये बच्चे, क्या बात है, अरे इधर तो बड़ा जोर का योग चल रहा है आज, पूरा भुवनमनासन हो रहा है। चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो बच्चों, ये पूर्ण उष्ट्रासन, हाँ पीछे झुक करके। अब इसको नाम सारे आते नहीं, क्या नाम है, रीत, करो तुम चक्रासन करो, इसका भैया है, ऐसे योग हो रहा है। चलो बैठो सब, करो करो इधर प्राणायाम करो, क्या बात है जोरदार। और हाँ आज गोवर्धन पूजा भी तो है ना, तो गोवर्धन पूजा पर पहले हमारी अपनी गैया मैया की पूजा करते हैं। ए मैया पहले पूजा करवाओ फिर रोटी मिलेंगी।
ये एक एक साथ दो दो खाती है और ये भी खाता है। लो ये, अच्छा ये दोनों लक्ष्मी हैं। ए मैया तुम भी खा लो। आहा, और देखो गाय का मूत्र, गोबर, गाय का घी बड़ा जबरदस्त है। अब मैया तुम तो इधर प्रसाद पाओ, अब उधर हम योग सिखाते हैं। लो, और ये मैया करिए मुझे भी तो दो। और ए मैया लो लो पूरा खा लो। और जो है ये हमारी गैया मैया और ये छोटी मैया है हमारी, ये अभी छोटा बाबू है, इसके पास डाल देते। और इनको तो पूरा इतना आनंद आता है, ये हमारे साथ इतने रच बस गए हैं, इनको पानी भी पिएगा हमारे साथ ही। तो जा मैया, तो हम आज गोवर्धन पूजा भी है इधर गोमाता का, और देखो पीपल का कितना सुंदर पेड़ है, इधर बड़ का पेड़ है, इधर आम का पेड़ है, इधर हमारे क्या अश्विनी अरोड़ा, इसके तो सारा रोड़ा ही हट गया। कितनी यूनिट ले रहे थे? 42 यूनिट इंसिडेंट चल रही थी। और इधर शेयर बाजार का शेयर इधर बैठा है आनंद, इसकी भी कितनी चल रही थी? 35 यूनिट इंसुलिन। अब क्या हाल है? अब कोई गई। जोरदार अभिनंदन है। अरे ये मैया तो चलने लग गई, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पता नहीं, मेमोरी चली गई थी, अपने आप को, पति को भी भूल गई थी, लेकिन मैं याद था। अरे एक बाबा है वो ठीक कर देगा। पार्किंसन इसको देना मैया को। क्या नाम मैया? हंसा। ये लो, हंसा ने हंस बन करके योग के मोती चुन लिए। अब क्या हाल है तेरी मेमोरी का? 100% वापिस आ गई है। 100%। ए रामा लो, बहुत शानदार, बहुत शानदार स्वामी जी। नहीं तो इसको सब काम करना पड़ रहा था। चलो अनुलोम विलोम। इस लिहाज से देखा जाए स्वामी जी तो उन सारे लोगों की मेमोरी चली गई है जो योग अभी नहीं कर रहे हैं, बस उनकी मेमोरी लौटने का इंतजार है। जैसे मेमोरी लौटेगी सब के सब योग करेंगे और निरोग रहेंगे स्वामी जी। लेकिन दिल्ली NCR की जरा सा बात कर लेते हैं। ये शहर अब जो है खौफ का शहर बन चुका है, पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, सांसों पर संकट कई गुना बढ़ चुका है। स्वामी जी एक रिपोर्ट देख रहा था, लोग कुछ दिनों के लिए अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में है, पहाड़ों में इसलिए लोगों ने एक सेकेंड होम बना रखा है। अरे हकार आओ, इधर उधर मत जाओ। जी ये भी अच्छा है। अभी स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में यहीं स्टूडियो में वॉक हो रही थी, वॉक के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ। अमित ज्योत्सना और मीनाक्षी ने वॉक लगातार कर रहे थे, मैंने कहा भाई आज ये कैसे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर समझ में आया कि हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वॉक करने से 25% कम हो जाएगा, लेकिन बाकी स्वामी जी 75% जो खतरा है उसे कैसे कम करना है हार्ट के खतरे को। वॉक करके 25% कम कर लिया फिर भी 75% खतरे में तो है ही है। वो 75% ऐसे कम होगा, वॉक करने से थोड़ा खतरा टलेगा। मीट कैसा है डॉक्टर साहब हार्ट के लिए? हार्ट मीट फिश एंड चिकन। नो नो चिकन, नो नो फिश। दे वांट टू ईट, दे कैन ईट लीन मीट लाइक फिश। अमेरिका नहीं, इधर इधर नहीं। तो ये मीट इज नॉट गुड फॉर हार्ट, इज नॉट गुड फॉर हार्ट इफ दे आर यूज्ड टू इट एंड ओनली। तो ये वाइट फिश, हाँ, तो ये कह रहा है कि जिनको खाना ही है मांस मछली तो मछली खा सकते हैं। ये अमेरिका के लिए बता रहे, बोलो नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर इंडिया। खैर तो ये तो भोजन में अपने अपनी चॉइस होती है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है हार्ट के लिए मीट अच्छा नहीं है। और ये जंक फूड फास्ट फूड ये तुम अमेरिका से पूरी दुनिया को खिला रहे हो, इसके लिए मैकडॉनल्ड्स और क्या पिज्जा, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स। That's the reason I am very busy cardiologist. That's why the reason he is very busy cardiologist because of junk food. तो ये बात अच्छी कही डॉक्टर, हमारा एकदम पक्के वाला है ये। तो ये
ये हार्ट के लिए अच्छा डॉक्टर है, ये अच्छा है हार्ट के लिए। तो आपको जंक फूड से बचना है और ये एक्सरसाइज, दिस इज हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे फिर ये देखो बैठ के करो, ऐसे भी बैठ के भी कर सकते हैं इसको ऐसे। और जिनको कठिन कठिन योगा करना है, देखो हमारे बच्चे लगे हुए हैं, ओहो करो करो बच्चों, इधर मधु भी लगी हुई है, इधर हैप्पी भी लगी हुई है, हैप्पी होकर के। और इनसे सीख लिया ये गुड़िया ने भी, क्या नाम बताया, रीत, रीत की भी योग से प्रीत हो गई है। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो ये देखो हमारा डॉक्टर, ये इंटरनेशनल बात सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट होकर के योग कर रहा है, है? ये हरे कृष्णा योग से बच गया, नहीं तो अभी तक इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। इसको आईसीयू से निकाल करके लाया ये हमारा डॉक्टर अशोक। तो ये देखो मेरे भाई बहन ऐसे, अरे ये इसका चारा ठीक करो, इधर उधर इसने, इसको इधर रखो, चारे को थोड़ा दूर रखो, यार हाँ यहाँ रखो दूर, हाँ। और इस चारे में कोई बात नहीं, इसको करने दो आप, इसको छेड़ो मत, इसका इसकी आज़ादी में बाधा मत डालो, हाँ। लेकिन इसमें चारे के अंदर थोड़ा चोकर डालो, हाँ, और इसमें थोड़ी रोटी डालो, थोड़ा हरा घास डालो, केवल सूखा चारा जो है ना पशुओं को बीमार करता है, पशुओं को हरा चारा, आदमी को हरी सब्जियां खिलाओ, हार्ट अटैक से बचाओ, हार्ट की बीमारी से। ये फिर देखो हार्ट के लिए, ये तो चलो बच्चों पूर्णोष्ठासन करो, तुम तो ये पूर्णोष्ठासन करते हो, हम तो इतने ही करते हैं, इतने में ही बड़ी बढ़िया हो जाता, ये हार्ट के लिए कर रहा था। फिर आदमी की थाल दालचीनी काढ़ी ब्यूटी हृदयामृत, जो कार्डियोलॉजिस्ट खाएगा वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा अभी जॉबलेस महाराज जी। ये बोल रहा है अभी जॉबलेस, इधर ही रहेगा। ठीक है, तुमको यही जॉब दे देगा, तुम जॉब की चिंता मत करो, चलो तुम योग करो ऐसे। ये अच्छा डॉक्टर मिला आज, बोले स्वामी जी हम भी योग करेंगे, योग कराएंगे। अरे आपको जॉबलेस होगा, आप जो भी पेशेंट आए उसको बोलो योग करो, हाँ फिर पैसा थोड़ा कम देगा, लाइफस्टाइल के लिए कम, बहुत कम लगेगा। तो ये डॉक्टर तैयार है, बोले पैसा कम भी देगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ऐसे अच्छा स्वामी जी, आपने शुरुआत में जिन लोगों से मुलाकात करवाई, सो बार जो लाइव एविडेंसेस आप दिखाते हैं, वो तमाम लोग तो खुश नसीब है, वो आपके पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी अपनी बीमारियों को मात दी है। लेकिन स्वामी जी एक ताजा स्टडी के मुताबिक कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले 300% बढ़ गए। दिक्कत यह भी है स्वामी जी कि 25% मामलों में सीवियर ब्लॉकेज के बावजूद कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा होता कि पता चले कि भाई ब्लॉकेज है, हार्ट दिक्कत में है, हार्ट परेशान है। और वैसे ही स्वामी जी आबो हवा खराब है, रिपोर्ट यह भी कह रही कि दिल्ली NCR पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा गर्म है, जाहिर इसका इफेक्ट भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट पर पड़ रहा होगा। और वैसे भी त्योहारों का मौका है, एक्साइटमेंट से एड एनर्जी ड्राइव बढ़ता है, हार्ट रेट 72 से 200 से 300 बीट पर मिनट तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाता और नतीजा ये कि हार्ट फेल हो जाने की नौबत आ जाती है। तो स्वामी जी फिर बचाएं कैसे, इतनी सारी मुश्किलें आज है। HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को, हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हार्ट की तेज धड़कन हो जाए तो उसमें योग मदद करता है, क्या करता है बताओ। सो बाय डूइंग दिस यू कैन कंट्रोल योर हार्ट रेट एंड हेल्प्स यू, इसका ये करो, बाय डूइंग दिस इट विल कंट्रोल हार्ट रेट, यू कैन कंट्रोल हार्ट रेट, डॉक्टर इज सेइंग हार्ट रेट 60 टू बिलो इज मच बेटर, इंक्रीज लाइफ, माय हार्ट रेट इज 60 और 50, योर हार्ट रेट माइट बी 40। रिसर्च कर रहे हैं महाराज जी, हाँ वो हार्ट रेट लोअर, तुम तो हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, ये वैसे ये है आंध्रा का, रहता है USA में फिर भी हिंदी बोलता है, कितना अच्छा डॉक्टर है,
heart rate lower 40, then they live sausal 100 to 120 years. मैं तो meditation करता हूँ तो 40 रहता है, ऐसे रहता हूँ तो 50 रहता है. 50 is about up 150 years. 150 years. ये लो, 50 है तो 100 आगे जोड़ दिया इसने डॉक्टर ने. Simple methodology. Yeah. Elephant breathes. He only has a big body, right? हाँ, elephant breathes कितना? Like very low, 40 or below. स्वामी जी, मौसम में जरूर गर्मी है, तो बैठ करके बोलो डॉक्टर, लेकिन तो बड़ी बड़ी बात बता करने के बाद दर्शकों की गर्मी थोड़ी कम हो रही है. कितना वो कह रहे हैं, थोड़ा पसीना बहाने का मन था स्वामी जी, थोड़ा कुछ थोड़ा सा पावर योगा करवा दीजिए स्वामी जी. पसीना लोग बहाना चाह रहे हैं. डॉक्टर साहब इधर मुंह करो, उधर इंडिया टीवी पर सब देख रहे हैं आपको, और आप कपाल भाती करो. कितना बढ़िया करते हो तुम, कितना वेट कम कर लिया? 5 किलो विद इन 5 डेज. ए रो, ये हमारा कर्नल का भी रोज का 1.25 किलो, इसका रोज का 1 किलो वेट कम हो रहा है. आप तो कपाल भाती करो. आई विल डू पावर योगा. दे आर आस्किंग फॉर पावर योगा, तो यू डू कपाल भाती है ना, अनुलोम विलोम. तो जो पावर योगा करेगा वो पावरफुल रहेगा. न योगा परम बना. देखो यह है पावर योगा डॉक्टर, अनुलोम विलोम करो और मुझे देखो. कल आपको भी ऐसे ही करना है. आपकी एज कितना हुआ? 49. तो ये तो मेरे से अभी 7-8-10 साल छोटा है. और देखो मेरा एनर्जी लेवल देखो, ये देखो. मुझे लगा स्वामी जी आप नीचे ना उतर के हाथ ऐसे करना है डॉक्टर आपको भी एक दिन. सो बार ऐसे करना है डॉक्टर, देखो ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे. पावर योगा तो बहुत बीमारी कम. अब गर्मी बढ़ रही स्वामी जी थोड़ी. जब पावर योगा करेगा थोड़ी गर्मी बढ़ी है. अब गर्मी बढ़ी थोड़ी. कपाल भाती करो. दो दिन ये ऐसे, फिर ए डॉक्टर देखो ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, इतना. ये सबसे अच्छी कार्डियक एक्सरसाइज है. बहुत सारे ऐसे ऐसे, ये तो सभी से हो जाएगी ना. यू नो सूर्य नमस्कार. अब ये योगी कार्डियोलॉजिस्ट हो गया. क्या बन गया? योगी बन गया. चलो थोड़ा आगे हो, पीछे नहीं गिर जाएगा. 1, 2, 3. ए देखो ए डॉक्टर यही अटक गया. करो एक बार पीछे लाओ, कमर झुकाओ. ये देखो डॉक्टर का कमर थोड़ा पेशेंट बन गया. कमाड़ा और रखो, पीछे रखो, नीचे आओ. ये ऊपर उठाओ पूरा, फिर बीच में से उठाओ, फिर एक पैर आगे लाओ. डॉक्टर साहब तो बड़े लकी निकले स्वामी जी, पर्सनल ट्रेनर के तौर पर उनके पास स्वामी जी हैं. अगेन डॉक्टर, उधर हमारे हुसैन बड़े खुश हो रहे हैं कि आज डॉक्टर अच्छा फंसा. हरियाणा की भाषा में आज मारे आर्ट में डॉक्टर आ गयो है. किसी से ध्यान रखना, थोड़ा आगे हो जाए. फिर ऐसे तो देखो ऐसे, ये डॉक्टर 10 बार करना है रोज, है ना मेरे भाई. अशोक जी नाम अशोक है, कभी शोक नहीं रहेगा लाइफ में. फिर ऐसे कोशिश करना धीरे धीरे ना, ऐसे धीरे धीरे आगे झुकने लगेंगे. इतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. चलो भुनमन आसन करो दोनों बेटियां. ये रीत भी करेगी और हैप्पी भी और हिम्मत होगी. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो और ऐसे भी देखो, यही कर लो आगे पीछे. देखो ऐसे, ये देखो ये कितना ऐसे ऐसे धीरे धीरे
ऐसे करो, धीरे धीरे, वेरी गुड योगी डॉक्टर इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी करते करते में ही बढ़ गई हुसैन, देखिए। नहीं, छह सात बार जब उन्होंने लगातार किया तो अपने आप रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होने लगी। स्वामी जी, देश में 15 से 20 साल के युवाओं में, अब स्वामी जी ये तो पहले दिन में इनसे ना होगा। ऐसी चक्की घुमाने के लिए तो कुछ महीनों चक्की घुमानी पड़ेगी। स्वामी जी, जो 15 से 20 साल तक की उम्र के युवा हैं, उनमें कार्डियक प्रॉब्लम 200% बढ़ी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, हेल्थ इमरजेंसी ला सकती है, क्योंकि देश में 50% आबादी तो युवाओं की है और उसकी एक बड़ी वजह एक्सेस वेट का होना और मोटापा होना है। जॉन हॉपकिंस की स्टडी के मुताबिक अगर वजन प्रॉपर है तो हार्ट पर रिस्क नहीं है, लेकिन जहाँ 10 किलो भी वजन ज़्यादा है तो रिस्क 1.25 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बॉडी पर एक्स्ट्रा वेट 50 किलोग्राम है तो समझिए कि 50% हार्ट अटैक का खतरा है। कर्नल, ये देखो, इधर आओ डॉक्टर, कर्नल साहब, ये देखो हमारा कर्नल, इधर आओ, सामने से आ जाओ। कितना कम किया डेली? कितना कम कर दिया? 1.25 किलो रोज का टूट रहा है। कौन 1.25 किलो? नाम क्या कर्नल साहब? रोहित झा। रोहित जी बैठ, ये झा जी का बोझा बढ़ गया था। अब ये करो ओझा जी, झा जी, ये झा और ओझा में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस बोझा नहीं होना चाहिए, जो झा हो चाहे ओझा हो। तो 1.25 किलो रोज कम कर रहा है ये हमारा, और ये मेरे से छोटा है ये कर्नल, हाँ, और रोज का 1.25 किलो। और डॉक्टर, आपका कितना कम हुआ रोज डेली? डेली 4 days 5 kilos। 4 days 5, सेम 1.25 किलो वेट डेली कम हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है, हा? तो आप सबको सजेस्ट करना है, और वेट कम होने से तो हार्ट रिस्क कम हो जाएगा ना? हार्ट रिस्क, सो व्हेन यू बॉर्न विद द By birth, your heart is designed for your body surface index, right? Huh. So, if you gain a weight more than, so heart has to work hard, pump against it. ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम करने को heart failure जाता है। हाँ। Sleep apnea, heart failure. ये sleep apnea था इसको, इस डॉक्टर को दो। ए डॉक्टर, ये भी बता। ये तो नहीं तो सोचेगा एक ही डॉक्टर को ज़्यादा प्रेम करने लगे स्वामी। तुम्हारा स्लीप एपनिया का क्या हाल था? या मैं कोविड के बाद में सीरियस स्लीप एपनिया आ गया। अपना नाम भी बोलो। मेरा नाम डॉक्टर हरिकृष्ण है, आंध्र प्रदेश से। तो डॉक्टर हरिकृष्ण, रात और नींद गड़बड़ हो गया था और मेमोरी? या मेरा नींद स्लीप एपनिया आ गया, नींद गड़बड़ हो गया, मेमोरी लॉस हो गया एंड कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन इधर आने के बाद इधर का डाइट, इधर का योगिक प्रैक्टिस एंड थेरेपी, फॉर द लास्ट 6 days आई एम नॉट यूजिंग एनी मेडिकेशन and my brain alertness is very much improved. क्या बात है? ये डॉक्टर हरे कृष्णा भी, हरे कृष्णा हो गया अब, क्या बात है डॉक्टर, ये कर। डेढ़ किलो पर डे कम हुआ, क्या नाम है तेरा, कहाँ से हो? ये महुआ से आया, डेढ़ किलो रोज का कम कर लिया। इधर इधर बोला पेट इतना बड़ा था रे, अरे बाप रे, अंदर गया ये भी। अंदर चला गया। उम्र कितना है? 44। अब रोज करना 2.5 किलो। कहाँ से? स्वामी जी ये हर्निया है ना? गुरु जी यूपी से, महोबा से आया है। 2 दिन में 3 किलो हुआ गुरु जी। हाँ, हर्निया भी कम कर लिया, वेट भी कम कर लिया, और एक ने तो हाइड्रोसिन भी कम कर लिया। ऑपरेशन नहीं करना गुरु जी। हाँ, ऑपरेशन नहीं करना, नहीं करना। क्या क्या करते हो गुरु जी? काम करता हूँ, बाल्टियों के ऊपर प्रिंटिंग करवाता हूँ, एशियन पेंट। अभी आपकी दवाइयाँ बेचूंगा। तेरी पेंटिंग डेंटिंग में ठीक कर देता हूँ। जी गुरु। चलो, 1.5 किलो कम कर रहा है, क्या नाम है? धीरेंद्र प्रताप सिंह। धीरेंद्र प्रताप, चलो लगे रहो बेटा। जय गुरु जी। अब इसको भी जी में जी आ गए, नहीं तो हो गया था। मैं मैसेज की पेट के आ गया, जैसे स्वामी जी ओपीडी चल रही है, प्रेग्नेंट लेडी होता है, ऐसा हो गया था। आज ओपीडी चल रही है वहीं पर, सीएमओ बैठे हैं, ओपीडी चल रही है। ये डॉक्टर कह रहा है स्वामी जी मेरा क्या होगा।
पसीना आ रहा है, डर के पसीना आ रहा है, डर के पसीना आ रहा है। स्वामी जी कहीं जॉब लेस तो नहीं हो जाऊंगा? जॉब लेस भी नहीं होगा, ब्रेथलेस भी नहीं होगा, गारंटी है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, वेट कम होगा। जिनको गाय का दूध घी हजम नहीं होता है, गौमूत्र पियो, मेदोहर खाओ, वेट गो खाओ, अश्वगंधा के पत्ते खाओ और नींबू पानी पर, नारियल पानी पर उपवास करो। आज हाँ स्पेशल डाइट बताने वाले हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल। ए डॉक्टर साहब देखो दाईं तरफ तुम्हारे लिए कुछ तैयार हो रहा है। हाँ पहले मेहनत कर लो फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। एक भी प्रूव नहीं सर महाराज जी, एक किलो कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर वन मिलीमीटर। बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। हाँ वेट लूजिंग, वेट losing weight 1 kilo brings 2 millimeters of mercury of blood pressure down. And BP is the main cause of heart problem. BP, cholesterol, BP, cholesterol, obesity. Unhealthy food diet. Food habits. फिर वो नशा भी, बीड़ी सिगरेट शराब भी तो अच्छा नहीं है, बहुत बहुत बैड है। स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड ओवर ईटिंग, झगड़ा हो जाएगा, इमोशन से हार्ट प्रॉब्लम भी होता है। ये लो, अनहेल्दी ईटिंग एंड चीटिंग इज नॉट गुड फॉर हार्ट, लैक ऑफ एक्सरसाइज लाइक मी। Now you are become a yogi. अब तो योगी हो गए। Less exercise, less breathing exercise, less oxygen supply. Yeah. Less oxygen supply is the main cause of all diseases. ये डॉक्टर बहुत जोरदार है स्वामी जी। और ये डॉक्टर तो अब मेरे साथ 150 साल जिएगा जी स्वामी जी। मजाक में ही सही, लेकिन जो बातें डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। हार्ट बीमारी के जो कारण हैं वो बता रहे हैं, सिगरेट पीने से, शराब का सेवन करने से, गलत खान पान से, और जब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है उससे भी हार्ट की जो बीमारी है उनका खतरा बढ़ता है। और जहरीली हवा के कण सांस के जरिए भी अगर हमारे खून में मिलते हैं तो उसे गाढ़ा कर देते हैं, ब्लड वेसल्स में चिपक कर उन्हें संकरा और कर देते हैं, जिससे हार्ट की जो परेशानी है वो और बढ़ जाती है स्वामी जी। तो ऐसे में खून को पतला करने के लिए क्या उपाय करें ये भी एक बार बता दीजिए, ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो और उससे हार्ट अटैक की आदमी को पतला करने के उपाय तो बता दिए, अब खून को पतला करते हैं। आदमी भी पतला होना चाहिए और खून भी पतला होना चाहिए, ठीक है ना डॉक्टर? हाँ, खून पतला करने के लिए एक तो पसीना बहाओ, फिर लहसुन खाओ खाली पेट, लहसुन। अरे पेठा जो कल मैंने पिया, अरे साहब मेरा एक किलो वेट कम हो गया, कल मैंने 2 ग्लास पेठा पिया। हाँ पेठे का जूस, गोल गोल कद्दू है ना, इधर खेत में लगा है ना, उसका पिया, मेरा ही वेट कम हो गया। देखो कैसे चला गया पेट पाता लोग में। महाराज जी आप बहुत 100% फिट है। तो पेठे का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, भगु गोसा खाओ और लहसुन खाओ। देखो लहसुन भी इधर रखा है, सब इधर दाईं तरफ रखा है। कोई कहता है लौकी अच्छा नहीं लगता, तो लौकी में थोड़ा पुदीना, थोड़ा नींबू, थोड़ा आंवला, ये अनार, थोड़ा एप्पल डाल लो लौकी के साथ। पहले हमने सगाई करा दी थी, अब ब्याह करा दिया है हमने अनार का। ये माता यूके से आई है, बड़ी हंसरी। क्या नाम है मैया? नाम कुमुद। 77 साल की मैया है, एकदम हेल्दी, अनुलोम विलोम कर्मा। अपनी बेटियों को लेकर के आई है, अपने बच्चों को लेकर के। तो देखो लौकी में अनार डालो, सेव डालो, पुदीना डालो, थोड़ा नींबू और आंवला भी मिल रहा है, आंवला डालो, कितना हेल्दी जूस हो जाएगा। बहुत हेल्दी जूस, बहुत हेल्दी जूस। नो हार्ट अटैक्स, नो हार्ट अटैक्स, डॉक्टर बोल रहा है कार्डियोलॉजिस्ट। नो फैट, नो हार्ट अटैक, नो फैट, नो हार्ट अटैक। लोग कहते हैं डॉक्टरों का झगड़ा है, हमारा तो मिलन हो गया है, एकदम अफेयर हो गया, पक्के वाला। हाँ मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ अफेयर। लाफिंग से भी तो हार्ट अटैक दूर होता है। एक बार जोर से स्टॉप, वेगल मैनोवर। चलो इसी पर आपको
आज वो देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, ये है पेठा। ए पेठा जाओ आप उधर जाओ। ये तो लोकी है, सोरेकाई, इसको क्या बोलते हैं उधर, सोरेकाई बोलते हैं, हीरेकाई, सोरेकाई, लोकी तोरी। जाओ अब ये पेठा खराब नहीं होता है, घर तक लेके जाना। यू यू तो बेटा लो लौकी खाओ। तो नौ की लकड़ी 90 खर्च हो जाएगा स्वामी जी यूएस ले जाने में। लौकी पेठा कोई बात नहीं, ये हमारा डॉक्टर के पास बहुत पैसा, वो कह रहे पैसा खर्च हो जाएगा, किराया लगेगा बेटा ले जाने का। लेकिन ये इसका एक्सट्रैक्ट बना करके इसको दे देंगे डॉक्टर को, तो पैसा भी नहीं लगेगा। इसका एक्सट्रैक्ट भी बना दिया हमने, लोकी घनवटी, अर्जुन घनवटी, फिर लिपिडोम, दीज आर द, दिस लोकी घनवटी, दिस इज लिपिडोम, हाँ दीज आर द ओट कार्डियोटॉनिक फॉर यू। तुम्हारी दुकान पूरी बंद करनी है आज। रिसर्च करेगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा डॉक्टर निकला। मैं कह रहा हूँ तेरी दुकान बंद करेंगे, वो कहता मैं रिसर्च करूंगा। और आज तो तोहफों की बारिश भी हो रही है स्वामी जी। हम किसी की दुकान नहीं बंद कर रहे, कोई नहीं, पेठा लेके बैठ जाएंगे, वो भी कोई दिक्कत। ये मंडू का आसन बहुत जरूरी है, पेठे से भी काम चलेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा रहता है, और सर्दियों में तो ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, हमने अक्सर ये देखा है। तो ऐसे में स्वामी जी दिल के साथ साथ जरा दिमाग तक असर ना पहुंचे तो दिमाग की हेल्थ के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए भी कुछ करवा दे। दिमाग की हेल्थ के लिए चलो भाई सब बैठो, सब ने बहुत कठिन कठिन आसन भी, एडवांस पोस्चर भी बहुत अच्छे किए सब बच्चों के लिए, बात है प्रीत से लेकर के, हैप्पी से लेकर के, मधु से लेकर, चलो अनुलोम विलोम करो आप सब। और जिनको ज्यादा ब्रेन हेल्दी बनाना है तो मधु करो, शीर्षासन करो, शीर्षासन आप सर्वांगासन करो, प्रीत और हैप्पी सर्वांगासन जो कर रहे हैं ना बच्चे, देखो क्या बात है, करो करो करो, यस वेरी गुड, ए तुम भी करो, हाँ ऐसे, क्या बात है, है? अब ये बच्चे डेली ये करने लगे, तो डॉक्टर भी कर दिया हमारा, हरे कृष्णा, क्या बात है। ऐसे जब दुनिया बन जाएगी तो कैसे कोई रोगी होगा, ब्रेन सबका हेल्दी रहेगा, और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, ऐसे प्रकृति के अंग संग्रह करें। आप कह रहे थे लोग सेकंड होम में शिफ्ट हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं दिल्ली एनसीआर से, अरे पतंजलि वेलनेस योग ग्राम निरामम आओ, क्या जबरदस्त यहाँ प्रकृति का संस्कृति का संगम है, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ब्रेन हेल्थ के लिए, शीर्षासन सर्वांगासन ब्रेन हेल्थ के लिए, फिर मेधावटी देते हैं, मेधाष्टी करवाते हैं, फिर सिरोधारा देते हैं, और हार्ट के लिए तो जैसे ये देखो ये हृदय बस्ती करवा रहे हैं ना, ऐसे मस्तिष्क के लिए सिरोधारा करवाते हैं, सिरोधारा भी बड़ी ज़बरदस्त है, और बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, और खाली पेट गाय का घी खिलाते हैं। डॉक्टर अशोक सुबह खाली पेट एक चम्मच गाय का घी खाओ, वर्जिन कोकोनट ऑयल खाओ, उसे क्या फ़ायदा है, ये ले जाओ हरे कृष्ण। हाँ उधर से आ गया दूसरा आ गया, चलो हाँ। So US में they also doing cleansing, ghee cleansing in the lifetime fitness में, वो recommend कर रहा है, दो चम्मच लो, अब तो US वाले डॉक्टर भी cardiologist recommend कर रहे हैं ghee, lifetime चम्मच ghee, वो lifetime fitness में वो दे रहा है, lifetime fitness बहुत big franchise, American franchise है, वो recommend कर रहा है ghee एक चम्मच, cow ghee ले, तेरे को घी देता हूँ। ये घी कॉफी का भी कॉन्सेप्ट अब वहाँ खूब चल रहा है डॉक्टर के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज में फेफड़ा खराब है। स्वामी जी डॉक्टर साहब तारीफ कर करके सारी चीजें ले जा रहे हैं आज स्वामी जी, देखो ब्रेन हेल्थ के लिए। अरे ये डॉक्टर तारीफ करके नहीं ले जा रहा है, तो मैं ऐसे ही प्रेम से दे रहा हूँ भाई। अच्छा स्वामी जी जरा डॉक्टर साहब से पूछिए कि यूएस में तारीफ तो नहीं कर रहा, ये हमारा उसको शंका हो गई है हुसैन को। स्वामी जी जरा डॉक्टर साहब से पूछिए कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूएस में क्या इलाज होता है। नहीं 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लाइफ टाइम दवाई खिलाते हैं। नो लाइफ टाइम फिटनेस में
जस्ट फॉर द बॉडी क्लेंसिंग दे आर गिविंग एक और टू टी टू गार्लिक रिसर्च है अल्टरनेट मेडिसिन में ब्लड प्रेशर का गार्लिक एंड विनेगर के साथ वो अल्टरनेट मेडिसिन है ये अभी तुमने ब्लड प्रेशर का ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी सोचिए फिर गार्लिक और विनेगर वहाँ पे सजेस्ट की जा रही है और अर्जुन की छाल दालचीनी स्वामी जी ये अर्जुन छाल ये हमारी रोजाना की डाइट में शामिल डाइट में हमारे गार्लिक जो है वो गार्लिक यानी कि लहसुन शामिल है एक्सरसाइज एंड डाइट कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन और प्याज तो नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है स्वामी जी कोविड के टाइम में आपने कितना सिखाया और समझाया हाँ ये तो पक्की बात है अच्छा स्वामी जी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की बात हो ही रही थी तो कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ ही सवाल ले लेती हूँ मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है जी स्वामी जी हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग इस समय जमकर खा पी रहे हैं और बहुत तरीके का खाना खा रहे हैं और इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है तो स्वामी जी वो नेचुरल आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है बाकी एक्सरसाइज की सलाह तो पूरी दुनिया भर में दी जाती है डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं खाली पेट प्याज खाली पेट अर्जुन की छाल का काढ़ा फिर लोकी घनवटी अर्जुन घनवटी लिपिडोम रेडीमेड और हमने तो कोलो गार्लिक ये इसका गार्लिक का कैप्सूल भी बना दिया लोकी पेठे का जूस अनार सेब और लोकी एक साथ खा सकते हैं उसमें थोड़ा सा नींबू या अभी तो आंवला आ गया आंवला डाल करके और एक तो मैंने पहले उपाय बताया था आंवले का रस नींबू का रस लहसुन प्याज का रस ये सब धीरे धीरे मंद अग्नि पर थोड़ा इसको गर्म करके गाढ़ा करके शहद मिला के रख लेना ये तो पूरा अंदर से हार्ट की क्लिंजिंग कर देता है क्लीनिंग कर देता है और फिर रोज़ देखो योग तो करना ही पावर योग से लेकर के दौड़ने से लेकर के जो जितना कर सके लेकिन केवल दौड़ने से बात नहीं बनेगी हमें अपने जो है ये दौड़ने के साथ साथ योग भी करना पड़ेगा और योग में ये गोमुखासन ये तो हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोनों तरफ से ऐसे और ऐसे और जो इतना भी ना कर पाए उनके लिए हमने बता दिया जो पूरा कर सके पूरा नहीं तो ये करें लंबे लंबे श्वासों के साथ और हाँ जो खाने के साथ घी खाया जाता पराठे बना करके खाया जाता स्वामी जी वो आखिर देर में से डाइजेस्ट होता है खाली पेट जो घी खाया जाता है पूरी बॉडी की क्लिंजिंग करने के साथ आयुष्य भी प्रदान करता है आंखों की ज्योति रोशनी को भी बढ़ाता है जो मेरा सबसे पसंदीदा कर देता है हड्डियों मांसपेशियों के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है जी कुछ कह रहे थे हुसैन स्वामी जी आखिर में लाख दुखों की एक दवा प्राणायाम क्योंकि एम्स भोपाल ने एक स्टडी की और उसके मुताबिक कपालभाति प्राणायाम जो है वो दिल को मजबूत करता है और इससे बीमार होने का दिल के बीमार होने का ख़तरा काफ़ी घटा देता है हार्ट बीट बैलेंस रहती है दिमाग को भी सुकून मिलता है शांति मिलती है और ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो स्वामी जी कपालभाति के अलावा और कौन कौन से प्राणायाम है ज़रा उसके फ़ायदे भी बता दीजिए और एक छोटा सा सेशन करवाइए फिर डॉक्टर गुप्ता है बड़े अच्छे हैं थैंक यू भोपाल एम्स का नहीं तो पहले तो लोगों ने भ्रांति फैला दी कपालभाति नहीं करना हार्ट प्रॉब्लम्स करे मैंने कहा ये झूठी भ्रांति है इसको हटाओ थैंक यू एम्स को भी 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक डीप ब्रीदिंग से कपालभाति से तो पूरे वाइटल ऑर्गेन्स दिस इज द इंटरनल एक्सरसाइज फॉर इंटरनल वाइटल ऑर्गेन्स कपालभाति एक साथ लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पैनक्रियाज यूट्रस ओवरी लॉन्ग हार्ट सब एकदम ठीक हो जाते हैं अब डॉक्टर से चलो बाकी नॉर्मल कोर्स में तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन के लिए होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट अलग है फिर जो है
वो डायबिटिशियन अलग है, डाइटिशियन अलग है, एक्सरसाइज वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, फिजियो डॉक्टर। अब उसको मैंने पूछा, मैंने कहा हाथ पैर का एक्सरसाइज बताओ, तो बता दिया उसने सब, हाथ का भी पैर का भी बता दिया। मैंने कहा लीवर का एक्सरसाइज बताओ, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, वी हैव नो एक्सरसाइज फॉर लीवर, तो ये दिस इज द लीवर एक्सरसाइज। जब वहाँ सिलेबस खत्म हो जाता है तो यहाँ सिलेबस शुरू होता है स्वामी जी। अच्छा यूट्रस ओवरी। अब स्वामी जी प्राणायाम का मामला जो है मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित और दर्शकों के हवाले करते हैं और हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है आपके रामबाण का। तो स्वामी जी आज रामदेव के रामबाण में क्या खास होने वाला है? तो आज रामबाण में दो तरह के बाण चलेंगे। एक तो ये बॉइल्ड वेजिटेबल इधर तैयार हो गया है, इसमें नीचे से स्टीम आता है, यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से स्टीम, अब ये सूप बन गया, नीचे नीचे तो सूप बन गया और इसका स्टीम लग लग करके देखो ये बढ़िया तैयार हो गया है। तो ये तो डॉक्टर यू कैन ईट दिस सर, आप इसको खा सकते हो। डॉक्टर सोचेगा आज हमको स्वामी ने इतना सब एक्सरसाइज कराया, तो एक तो ये स्टीम और आखिर में उबली हुई सब्जियां खिलाई, बड़े अच्छे साहब है ना। और पनीर के साथ खाओ। फिर एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ज्यादा नहीं, केवल जैसे डॉक्टर कह रहा था 2 चम्मच पूरी फैमिली के लिए घी, और इसमें ये डाल दिया ये हल्दी, कच्ची हल्दी, और ये सब लौकी तोरी इसमें ऐसे ही डाल दो, पनीर भी ऐसे ही डाल दो, ये क्या कहते हैं इनको मशरूम, सब ऐसे डाल दिया, लौकी तोरी सब इसमें पूरा कर दिया कल्याण। और अब इसमें कुछ मसाले पसाले कुछ नहीं, हल्दी डाला और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, किसी को थोड़ा टेस्टी और करना है तो जीरा आदि, लहसुन प्याज आदि दो डालना हो डाल सकते हैं। और फिर जो है सेंधा नमक डालते हैं, वो भी नमक में भी सेंधा नमक, हाँ, और बस थोड़ा सा, और इसको इसको ऐसे ढक के रख दिया, और ये धीरे धीरे आंच पर पकता रहेगा, पूरा ऐसे ही टेस्टी हो जाएगा। हाँ ना, कितना जोरदार है, अच्छा अच्छा है ना, अच्छा है बहुत। ए डॉक्टर तू भी खा, ये अकेला अकेला खा रहा, इसको दे तो ऐसे जो खाएंगे वह भी रहेंगे। चलिए स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो चला है, निकलें जल्द मसाला स्टडी इफ यू हैव एनी चांसेस लुक इट, लास्ट ईयर इज पब्लिश्ड मसाला स्टडी इज अ डाइट। योग पंचायत लगाते हैं स्वामी जी अब हार्ट के लिए, योग स्वामी जी शहर दर शहर योग पंचायत लगी, बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देखिए ये जयपुर से आरती ने वीडियो भेजा है, और खुशबू हैं सिरोही के रहने वाले, उन्होंने योग पंचायत लगाई, अमित जयपुर से, और देखिए छत के ऊपर ये हो रहा है योगा, ये पार्क में हो रहा है, प्रीति फरीदाबाद से, संजय हैं गाजियाबाद से, उन्होंने भी योग पंचायत लगाई, तनिषा जयपुर के रहने वाली, तो ये बहुत सारे वीडियोज स्वामी जी थे। लेकिन जो बेस्ट वीडियो है वो अब आपके सामने है, नागौर राजस्थान के रहने वाले आयुष्मान का जो वीडियो है, ये स्वामी जी बेस्ट वीडियो है, और इनके लिए स्टेप बिल्कुल ठीक किया जैसे स्वामी जी ने कल बताया, इनके लिए जोरदार तालियां। एक बालक है, लग रहा बाकी बालिकाएं हैं। तो स्वामी जी अब लगे हाथ चैलेंज भी दे दीजिए, चलो कर। अब देखो का चैलेंज मिल कर रही है, चक्रासन कर, गाय तो कुछ नहीं कहेगी, क्या बात है, कल का चैलेंज है चक्रासन, लेट करके कर लेना ऐसे, बाकी खड़े खड़े कर सके तो बहुत अच्छी बात है भाई। कल के चैलेंज के लिए जोरदार ताली बजा दो ऐसे पूरा, हाँ जोरदार। कल का चैलेंज ये हमारा डॉक्टर हरे कृष्ण कह रहा है, शेर मीट खाता है उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, और हाथी एक मण खाता है 2 मिनट में
पेट साफ हो जाता है, वो घास खाता है। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन। तो कल का योग चैलेंज है चक्रासन, हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 5 से ज्यादा लोगों के साथ योग पंचायत लगाइए, वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। बेस्ट वीडियो जो होगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। आ जाओ बेटे नीचे आ जाओ।